वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यू के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलर बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हम कंट्रोलर के अंदर अपना व्यू कैसे आप लोड करवा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कंट्रोलर बनाया था ऐड और एक इंडेक्स, तो अभी हम ऐड को हटा देते हैं, इंडेक्स में ही आते हैं। तो आपको इसमें लोड कराने का तरीका ये होता है कि डॉलर दिस, उसके बाद व्यू और आपके कंट्रोलर का नाम इको व्यू। कंट्रोलर का नेम हम बना सकते हैं, यूजर ले लेते हैं, यूजर, हाँ यूजर ले लेते हैं सिंपल। और एक यूजर नाम की फाइल हम व्यू के अंदर बना लेते हैं। इसको कॉपी करा हमने, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। इसका नेम हमने लिया यूजर और इसको कर दिया हमने H1। यूजर पेज, अब हम इसको रन करवाते हैं। यूजर को हमने इंडेक्स वाले रखा हुआ तो सीधा लिखेंगे, तो इंडेक्स फंक्शन हमारा ये कॉल हुआ। लेकिन अच्छा, ये हमने अभी सेव नहीं करवाया, तो ये हमारा इंडेक्स फंक्शन कॉल हो चुका है, इसने व्यू को लोड करवा दिया। तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो और इको भी करवा सकते हो, एक ही बात है। लेकिन रिटर्न आपको उस केस में करना है अगर आपके पास एक ही व्यू है, तो आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही पेज के अंदर एक से ज़्यादा व्यू लोड करवा रहे हो, तो उस केस में आपको इको करना पड़ेगा। कैसे, मान लो मैंने एक यूजर बनाया और एक यूजर ऐड नाम का मैं पेज बना देता हूँ, एक और व्यू, कॉपी पेस्ट यूजर अंडरस्कोर ऐड, इसका नाम रख देता हूँ यूजर ऐड, यूजर ऐड पेज। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे PHP में इंक्लूड करते थे ना, तो अगर आप सोचो कि हम एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम व्यू में जाके इंक्लूड यूज़ करें, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपको कंट्रोलर से, कंट्रोलर के थ्रू ही पास करना होगा। तो आप कंट्रोलर में जाओ, पहले एक व्यू लोड करवाओ, मतलब इको करवा दिए पहले वाला। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक और व्यू है आपके पास, तो उसको भी इको करवाओ और उस व्यू का नेम यूजर अंडरस्कोर ऐड। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आप ये देखो, यूजर ऐड वाला भी आ गया और यूजर पेज वाला भी आ गया, दोनों भी आपके आ गए। एक सेकेंड, तो ये यूजर ऐड वाला आया, फिर उसके बाद यूजर पेज आया, उसके बाद यूजर ऐड वाला आया। ये देखो, तो जो लास्ट में ये आया, उसके बाद फिर ये आया। अब इसमें मान लो आपके कुछ भी डेटा पास करना है, आपको मान लो नेम प्रिंट करवाना है, आगे नेम लिख दिया हमने, कोड इम्प्रूव, आपको जो ये नेम है ये आपको अपने व्यू के अंदर पास करना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला पैरामीटर पास करना होगा और इस वाली की को आप कॉल करवा सकते हो। यूजर के अंदर पास करा हमने, तो यहाँ पर हम जाएंगे डॉलर नेम। तो आप ये देखो, इसका नेम आ गया है कोड इम्प्रूव। तो इसमें क्या होता है, कहाँ पर गया हमारे, ये रहा, इसमें एक और पैरामीटर बढ़ाना होता है, उसके अंदर आपको एरे वैल्यू पास करनी होती है। ये हमने डेटा, एक एरे है, अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो डेटा, ये एक ब्लैंक एरे है, उसके अंदर आप की सेट करते जाओ। तो जो की आप सेट करोगे, अगर इसके अंदर आप एरे सेट करोगे, जैसे एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हम कोड
डेमो टेस्ट, एक एरे पास करना है आपको। तो इस एरे को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट वाला वैल्यू की कॉल करवानी होगी। तो आपका यूजर ये रहा। अब जैसे यहाँ पर जाओगे प्रिंट आर करोगे, तो ये आपकी देखो एरे कॉल हो गया। इसको आप यू एल एल आई के अंदर कॉल करवा सकते हो। तो एक यू एल एल आई के अंदर आप लूप घुमा के इन वैल्यू को शो करवा सकते हो। फॉर ईच एस वेल तो ये एरे वाली वैल्यू भी आपकी आने लगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ये चीज़ प्रिंट करवानी है इसके अंदर, तो अभी नॉर्मली आप क्या करते हो, आप सोचोगे कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर भी पास कर दी और अब हम इस नेम को यहाँ पर भी प्रिंट करवा लेंगे, जो आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया है उसको ऐड वाले के अंदर भी, ये देखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर भी पास करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी, तो आप क्या करो कि पहले वाले में पास कर दो, बाकी में आप रहने दो। तो ये देखो एक ही बात है। लेकिन अगर आप एक काम अगर ऐसा करोगे, पहले वाले में पास नहीं करोगे और लास्ट वाले में पास कर दोगे, तो एरर आ जाएगा। अगर आपको केवल ये पहले वाले में पास करो, उसके बाद आपके नीचे जितने भी व्यू लोड करवाओगे उन सब में मिल जाएगा। और अगर आपने मान लो एक और व्यू लोड करवाया है ये वाला, और आपने इसमें पास नहीं करा, यहाँ पर इस व्यू का नाम कुछ भी रख लो, मतलब टू रख दिया, और इसमें आपने डेटा पास नहीं करा आपने, तो वो यहाँ पर कॉल नहीं होगा, वो इसमें कॉल होगा और उससे नीचे वाले में ही होगा। तो इस तरीके से व्यू आप कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देख लिया कि आप व्यू में अपना कैसे लोड करवा सकते हो डेटा, और अपना व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।